झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू हैं। कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान हैं। पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में बगैर प्रारंभिक जाँच के FIR और गिरफ्तारी तक का भी प्रावधान किया गया है। कानून राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती एजेंसियों, निगमों और निकायों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में लागू है। और चलिए हमारे साथ जुड़ेंगे सहयोगी हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देखिए 2017 पदों के लिए राज्य भर के 735 केंद्रों पर परीक्षा हुई JSSC की, और ये सामान्य स्नातक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक कर दिया गया। देर रात रद्द की गई ये थर्ड पेपर की परीक्षा, और वायरल हुआ जैसे ही आंसर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद देखिए यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी, सीधे उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, बहुत कड़े कानून हैं झारखंड में, अगर पेपर लीक होता है इस तरह से तो उसके बाद जो सजा है वो अधिकतम देखिए आजीवन कारावास तक की सजा है 10 साल से लेकर के। इसके बावजूद, और ये 10 सजा की बात छोड़िए, ये लंबा इंतजार था, 10 साल से ज्यादा का ये इंतजार था जब ये परीक्षा ली जा रही थी, उसके बावजूद चूक हुई और फिर इस तरह से प्रश्न पत्र वायरल हो गया और आखिरकार फिर एक परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यानी झारखंड की नियति बदलने वाली नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि अब से 24 घंटे पहले जो उत्साह राज्य भर के करीब 3 लाख अभ्यर्थियों में था, शायद अब वह निराश है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है, और फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है वो तीसरे पाली की पेपर यानी कि सामान्य ज्ञान का जो परीक्षा था उसे आरोप लगने के बाद रद्द कर दिया है। राज्य भर में करीब 735 से ज्यादा जो है वो परीक्षा केंद्र पर जो है वो लगातार कल जो है वो परीक्षा ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही शाम ढला, परीक्षा का समय खत्म हुआ, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया गया कि सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र था जिसका एग्जाम तीसरे पाली में हुआ था वो पहले से ही वायरल है और कई अभ्यर्थियों को मिल चुका है। फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उस पेपर को जो है वो रद्द कर दिया है, और आने वाले फरवरी माह में हो सकता है फिर से एक बार सामान्य ज्ञान का जो है वो एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन उन सब के बीच आप समझिए आरती कि उन छात्रों पर क्या कुछ गुजर रहा होगा जो लंबी कठिन मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद इस तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में जो है वो भाग लेते हैं, और लगातार अपने राज्य की शायद यही नियति रह गई है कि जितने परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा लेने वाली जो एजेंसियां हैं, जो आयोग हैं, लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं और ठीक से एक एग्जाम तक ऐसे आयोग एजेंसियां जो है वो नहीं ले पाती है। जबकि अपने राज्य में प्रश्न पत्र लीक होना या फिर नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून जो है वो बीते कुछ महीने पहले ही बनाए गए हैं, राज्य सरकार ने उसे कैबिनेट से पास किया, विधानसभा में लाया गया, और खुद राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी जो
है, वो उस कड़े कानून को जो है वो पारित किया है। अगर कोई व्यक्ति झारखंड राज्य में प्रश्न पत्र लीक करता हुआ पाया जाता है तो उस पर करीब 10 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाई जा सकती है, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। वहीं अगर कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उससे भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कोई अभ्यर्थी पहली बार अगर नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे जेल और करीब 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो लेने का प्रावधान है। मतलब कि इतने सख्त कानून होने के बाद यह जो मुन्ना भाई किस्म के कुछ लोग हैं वो लगातार जो है वो इस तरह की अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और वैसे अभ्यर्थी, वैसे छात्र जो कि कई घंटों के पढ़ाई के बाद, मेहनत के बाद अपना एक जो है वो सपना संजोते हैं कि शायद उन्हें सरकारी नौकरी जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मिल सकेगा, वैसे छात्रों के मेहनत पर भी जो है वो इस तरह से प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पानी फिर जाता है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रश्न पत्र लीक के मामले में जो लोग हैं उन पर नए नियम कानून के तहत जो प्रावधान बनाया गया है सख्ती से उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि झारखंड की एक जो पहचान हो गई है, खासकर अगर आप किसी छात्र से बात करें, अभ्यर्थी से बात करें, तो उनका जो भरोसा है वो ऐसे कर्मचारी चयन एजेंसियों पर जो है वो कहीं ना कहीं उठता जा रहा है। तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरत है कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले वैसे लोगों पर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरती, बिल्कुल, और ये विडंबना ही है कि देखिए रोजगार की बात होती है झारखंड में, ऐसी नियुक्तियों की बात होती है सतव्रत झारखंड में, और जब इस तरह से परीक्षा ली जाती है तो या तो पेपर लीक होते हैं या फिर बाद में किसी ना किसी वजह से रिजल्ट रद्द किया जाता है, पेपर रद्द किया जाता है, यानी ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। कैसे इसका समाधान होगा ये इंतजार झारखंड के युवाओं को अब भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि JSSC का एक पेपर जिसके परीक्षा कर ली गई, थर्ड पेपर के जो पेपर लीक हुए और फिर ये परीक्षा रद्द की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।